ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त, जीना तो पड़ेगा ना यार। टीजर ट्रेलर अपडेट। 90 के दशक की फिल्म गुप्त अगर आपको याद है तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इस थ्रिलर फैंस फिल्म में मनीषा कोइराला, बॉबी देओल और काजोल ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म में काजोल निगेटिव किरदार में नजर आई थी, तो वहीं ये फिल्म एक जबरदस्त सस्पेंस ड्रामा भी थी। वेल आपको बता दें कि इस फिल्म का म्यूजिक काफी ज्यादा सुपरहिट हुआ था। वहीं अब इस फिल्म के डायरेक्टर राजीव रॉय ने हाल ही में ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो इस फिल्म का सीक्वल नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि उनकी कोशिश है कि वो एक पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी लेकर आए। बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव रॉय ने ये भी बताया कि गुप्त को लेकर मेरे दिमाग में काफी शानदार कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं बॉबी देओल से जल्द डिस्कस करूंगा। इस फिल्म में मनीषा कोइराला है तो होंगी ही, लेकिन काजोल की पहली फिल्म में मौत दिखा दी गई थी। इस फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी, इसलिए अब काजोल का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ नए कलाकार, कुछ नहीं एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं, तो इस फिल्म में थ्रिलर और रोमांस का तड़का भी लाएंगे। राजीव रॉय ने बातों ही बातों में ये तो साफ कर दिया था कि वो गुप्त की एक पूरी फ्रेंचाइजी बनाने वाले हैं, ऐसे में गुप्त 2 तो बिल्कुल तय है। खबरें सामने ये आ रही है कि फिल्म की अनाउंसमेंट इस साल के एंड तक दी जाएगी। ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी आपको 2025 तक देखने को मिल सकती है, और इस फिल्म को एक बार फिर से राजीव रॉय ही बनाते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो आप सबको इस फिल्म का कितना इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे अपडेट आप तक मिलते रहें।